मॉर्निंग दोस्तों, इस समय मैं हूँ कटरा बस स्टैंड पे। देखिए मेरे पीछे कटरा का बस स्टैंड। ओ माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद से आज हम कटरा में हैं और मैं बहुत खुश हूँ। वे टू यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर, प्लीज कम इन क्यू। वैष्णो देवी का ट्रैक अगर आपको करना है तो आपको यहाँ पीछे से यात्रा स्लिप लेनी पड़ेगी, यात्रा पर्ची लेनी पड़ेगी और अपना रजिस्ट्रेशन करा करके आप ऊपर यात्रा के लिए जा सकते हैं। यात्रा पर्ची की टाइमिंग है गाइस 5 AM से क्लोजिंग हो जाती है रात के 10 बजे। गाइस हमने माता वैष्णो देवी जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। गाइस रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं है माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए। रजिस्ट्रेशन बस इसलिए होता है क्योंकि काउंटिंग करते हैं ये लोग, कितने बंदे ऊपर गए, कितनों ने आज दर्शन किए। जय माता दी। दोस्तों ये है कटरा का मेन चौराहा बोल लो या कुछ भी बोल लो। यहाँ से एक तरफ ये जो गेट देख रहे हैं आप, यहाँ से माता वैष्णो देवी के लिए यात्रा के लिए जाते हैं और इसके जस्ट पड़ोस में ही है बस स्टैंड। बस स्टैंड के पड़ोस में ही है रजिस्ट्रेशन काउंटर। आइए मैं आपको लोकल घुमाता हूँ कटरा। ये टैक्सी स्टैंड है, यहाँ पे आप अपनी टैक्सी को पार्क कर सकते हैं, अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं, पार्किंग भी है। ये है माता वैष्णो देवी के लिए जाने का रास्ता। यहाँ ऑटो आपको मिल जाते हैं 160 रुपीज़ में। यहाँ से ऑटो जाते हैं माता के भवन के गेट तक, मेन गेट तक। तो अगर आपको जाना है भवन तक, लगभग एक या सवा किलोमीटर तक है डिस्टेंस यहाँ से भवन के गेट का, तो वहाँ तक जाने के लिए वहाँ से। गाइज हमने भवन के मेन गेट एंट्रेंस तक के लिए रिक्शा कर लिया है। ऑटो रिक्शा का फिक्स रेट है यहाँ पे 160 रुपीज़, तो उसमें से 10 रुपये आपको पहले देने पड़ते हैं। एंट्री गेट एंट्री चार्ज है 10 रुपये और 150 रुपीज़ ऑटो का चार्ज है मेन गेट तक छोड़ने के लिए, कटरा मेन चौराहे से भवन के मेन गेट तक। लोग पैदल भी जाते हैं लेकिन हमने ऑटो कर लिया क्योंकि आगे ऑलरेडी 14 किलोमीटर की चढ़ाई है, 2 किलोमीटर फिर बैरफ भी जाएंगे तो रास्ता बहुत लंबा हो जाएगा और धूप बहुत तेज है। गाइज हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और देखिए पहाड़ हमारे नज़दीक आता जा रहा है और फिर हम अपनी चढ़ाई को प्रारंभ करेंगे यहाँ से।
जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। गाइस यहाँ पे देखिए शॉप स्टार्ट हो गई हैं और शॉप पे आप देख सकते हैं, आप फोटोग्राफी करा सकते हैं, माता की चुनरी ले सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं। और उसके आगे है ये ऑटो स्टैंड। अब हम राउंड नीचे आ रहे हैं। नीचे आके माता का भवन का जो जर्नी का जो गेट है वो पड़ता है। देखिए लाइन से ऑटो खड़े हुए हैं। जय माता दी दोस्तों। भवन की ओर जाते हुए पैदल श्रद्धालु। हजारों खर्चा कर लिया, 10 रुपए का लेकर ले जाओ, 10 रुपए के लिए भी गलत नहीं देंगे, नुकसान में सबको देना। माता पे आए इतने बड़े स्थान पे। गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं माता के दरबार। जय माता दी। गाइज ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये है मेन एंट्रेंस। श्री माता वैष्णो देवी की चढ़ाई यहीं से प्रारंभ होती है। इसके आगे आपको बाणगंगा पड़ेगी, उसके आगे मैं दिखाऊंगा क्या क्या पड़ता जाएगा, जो जो पड़ता जाएगा वो दिखाता जाऊंगा। तो मेरे ब्लॉग पे जुड़े रहिए लास्ट तक और हम चलते हैं। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। कटरा बस स्टैंड से कैसे रजिस्ट्रेशन काउंटर पहुंच सकते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं यात्रा के लिए, और फिर वहां से आप कैसे माता के भवन के मेन गेट जो कि कटरा में ही है नीचे जहां से ट्रैक स्टार्ट होता है वहां तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, ये मैंने इस वीडियो में। गाइस आपको मेरे इस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ सजेशंस हो तो आप मेरे वीडियो में देना चाहते हो तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही आगे आने वाली वीडियो में हम माता रानी का ट्रैक करेंगे, नीचे से माता रानी के भवन तक का ट्रैक, उसके रास्ते में पूरा डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा। और आगे हम भैरव बाबा तक भी जाएंगे और लौट के हम कटरा आएंगे, फिर कटरा का लोकल जो भी टूर है वो मैं आपको कराऊंगा। तो आगे आने वाली वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। सो गाइस मैं आशा करता हूँ आपको मेरे सारे वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे, आपका प्यार मेरे को ऐसे देते रहिए ताकि हम आगे और भी मेहनत करके आपको वीडियो दिखा सकें। जय हिंद।